अगर हम बात करें तो देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई अलग अलग से राज्य है जहाँ हर दिन मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरीके से मुस्तैद। अगर हम झारखंड की बात करें तो लगातार जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे तो मास्क पहनना अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। अगर हम बस स्टेशन की बात करें तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार जो बाहर से राज्यों से आने वाली ट्रेन है उनकी जाँच की जा रही है, यात्रियों की जाँच की जा रही है। और साथ ही साथ 2 अप्रैल से धनबाद के बस स्टैंड में भी कोविड को लेकर जो बाहर से राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनकी जाँच की जा रही है और जो भी उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन तमाम लोगों को क्वारंटीन में डाला जा रहा है, आइसोलेशन में डाला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा मास्क को लेकर कल भी मास्क अभियान चलाया गया था। अगर हम बात करें तो कल धनबाद में कुल 33 नए कोरोना मरीज मिले हैं। लगातार धनबाद में भी हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को सजग रहने के लिए, लोगों को सजग रखने के लिए, सतर्क रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मास्क अभियान चलाया गया। आइए हम देखते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रमिक चौक पर, यहाँ का हम जायजा लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मास्क के अभियान के साथ ही साथ लोगों में कोरोना को लेकर कितना डर देखने को मिल रहा है, लोग कोरोना को लेकर अब कितने ज्यादा सतर्क है या नहीं है। आपको दिखा दूं मैं कितने लोग यहाँ मास्क पहने हैं, जो लोग आ रहे हैं उसमें काफी संख्या में ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। हालांकि कुछ लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं कि काफी संख्या में दिखी है, जो सामने से बाइक से जो लोग जा रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। हालांकि कुछ बुजुर्ग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, काफी संख्या में जो बाइक से लोग हैं उन्होंने मास्क पहन रखा है, यानी कि सेफ्टी को ध्यान में रखा जा रहा है। महिलाओं के द्वारा भी आप देखिए, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो रुमाल बांधकर वो घूम रही हैं, तो ये एक अच्छी पहल कुछ लोगों में दिख रही है। और एक महिला थी जो साड़ी से जिन्होंने अपना नाक को कवर कर रखा है, तो कुछ लोग जो है वो काफी ज्यादा जागरूक है। हालांकि अभी भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं रोड पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को ये कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य, अगर आप मास्क के बिना पकड़े जाते हैं तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। शहर में आए दिन अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मास्क के अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग सजग होता है और लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरीके से मुस्तैद है। और उसी के तहत अगर हम बात करें तो लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से वापस से कोरोना का जो दूसरा दौर देखने को मिल रहा है उसमें अगर इजाफा होगा तो फिर आम लोगों को भी परेशानियां होंगी। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन ये वैक्सीन अभी तक सभी को नहीं लगी है। अभी भी कई ऐसी संख्या में लोग हैं, काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, तो जब तक वैक्सीन नहीं लग जा रही है लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उन्हें भी सावधानी बरतनी जरूरी है, वो लोग भी मास्क जरूर पहने। और न्यूज मीडिया भी लगातार अपने सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सावधानी बरतें, क्योंकि अगर स्थिति पे अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो वापस से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए लोगों को जरूरत है कि लोग अब खुद में सजग हो जाए, सतर्क हो जाए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शाम्भवी मेरा मीडिया धनबाद।